दोस्तों, सचिन के प्यार के खातिर चार बच्चों के साथ भारत आने वाली पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के ऊपर अब किस्मत मेहरबान हो चुकी है। हाल ही में सीमा ने एक फिल्म साइन की है और वो अभिनेत्री के रूप में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। लेकिन अब सीमा को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक चुनावी पार्टी ने सीमा हैदर को सिंबल पर चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। ऐसे में खबर है कि अब सीमा राजनीति में भी एंट्री कर सकती है। बता दें, सीमा हैदर को एनडीए की सहयोगी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने भी आरपीआई के इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पार्टी के पदाधिकारियों का दावा है कि सीमा को पार्टी महिला विंग की अध्यक्ष बना सकती है। साथ ही उनकी बोलने की शैली को देखते हुए सीमा पार्टी की प्रवक्ता भी बनाई जा सकती है। इसके अलावा पार्टी ने सीमा हैदर को चुनाव लड़वाने की बात भी कही है। पार्टी के अधिकारियों के मुताबिक अब उनको सुरक्षा एजेंसियों की जांच में सीमा को क्लीन चिट मिलने का इंतजार है, और अगर सीमा को क्लीन चिट मिलती है और उसे भारत की नागरिकता भी मिल जाती है तो सीमा का पार्टी में स्वागत किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि भारतीय कानून के मुताबिक जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में हो सकता है कि सीमा हैदर 2024 में चुनाव लड़ सकती है, बस शर्त है कि उसको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए।